हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी के बारे में, जो कि अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है। तो जैसा आप सभी जानते हो, IEX के शेयर में हमें थोड़े दिन पहले ही बोनस अनाउंसमेंट देखने को मिला था, एंड हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी एंड कहा था कि अभी इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की गई है, तो जब भी ये अनाउंस होगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो वो रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस हो चुकी है। जैसे कि हम सभी वीडियो में बताते हैं कि बोनस एंड स्प्लिट दो स्टेप में प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में बोर्ड डायरेक्टर अप्रूव करते हैं एंड उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है, तो तब जाके बोनस एंड स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट दी जाती है। तो ये प्रोसेस IEX के लिए पूरी हो चुकी है। एंड अब बात करें अगर रिकॉर्ड डेट की, तो वो रखी गई है 6 दिसंबर 2021 मंडे को। यानी कि अगर आपको ये बोनस के लिए एलिजिबल होना है तो आपके पास फ्राइडे से पहले ये शेयर होने चाहिए, क्योंकि फ्राइडे 3 दिसंबर को ये शेयर 2:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात हुई रिकॉर्ड डेट के बारे में। अब अगर बात करें इसमें पोजीशन बनाने की, तो वैसे तो सिर्फ बोनस एंड स्प्लिट की न्यूज़ पे हम पोजीशन नहीं बनाते हैं एंड हमें बनानी भी नहीं चाहिए। उसके साथ देखना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं एंड कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो फाइनेंशियल के बारे में हमने उस वीडियो में बात की थी, तो वो आप जरूर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। एंड रही बात बिजनेस की, तो ये मोनोपोली रखने वाली कंपनी है, जैसे कि IRCTC है। तो यानी कि कंपनी में आप पोजीशन जरूर बना सकते हो। एंड साथ ही आपको IEX के कुछ लेवल्स भी बता देते हैं, ताकि आपको अगर पोजीशन बनानी हो तो उसमें हेल्प हो पाए। तो जैसा आप देख सकते हो, अभी IEX का शेयर 820 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो वो हमें मिलेगा 700 रुपीज़ के आसपास। एंड उसके नीचे अगर सपोर्ट देखें तो वो मिल रहा है हमें 640 रुपये के आसपास। तो वहाँ से ही शेयर हमें वापस आता हुआ दिखा है। तो ये दो लेवल रहेंगे सपोर्ट के तौर पे। एंड यहाँ पे आप देखो तो शेयर 4-5 दिन इसी रेंज में रहा था एंड लगभग वही रेंज में पिछले 6-7 दिन से चल रहा है। तो IEX के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें ऊपर की साइड बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसे आप जरूर वॉच लिस्ट में रख सकते हो अगर बाय करना चाहते हो तो। एंड एक बात ये भी याद रखना कि ये लेवल एक बार ब्रेक होता है उसके बाद ही हमें एंट्री करनी है। इसमें एंट्री करने की बिल्कुल भी जल्दबाजी हमें करनी नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल आप बिल्कुल याद रखना। तो आई होप आपको IEX के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी एंड उसके लेवल भी मिले होंगे, जो कि आपको आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। एंड ऐसे ही वीडियोस हम हर रोज़ लाते हैं, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टॉक बाजार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।